वेलकम ऑल। आज जो पांच इडियम्स एंड फ्रेज हम पढ़ने वाले हैं उनमें पहला है गॉर्डियन नॉट। गॉर्डियन नॉट का मतलब होता है जटिल समस्या। दूसरा, हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग, हिंदी होगी इसकी एक बात का रट लगाना। तीसरा, कलेक्ट वन सेल्फ, संभालना। चौथा, एट द 11th आवर, अंतिम समय में। और लास्ट में, रन इन टू द सेम ग्रुप, एक ही लक्ष्य का होना। समझते हैं पहले गॉर्डियन नट को। पहला जो है गॉर्डियन, इसे पढ़ते हैं हम गॉर्डियन, गॉर्डियन नॉट। तो आप जानते हैं इसमें के साइलेंट होता है, और इसे पढ़ते हैं नॉट। नॉट का मतलब होता है गांठ, गांठ। और गॉर्डियन का मतलब होता है जटिल, जटिल। और सही, तो इस तरह से जटिल गांठ, जटिल समस्या। रोप में गांठ लगाने के अनेक तरीके होते हैं। रोप में नॉट लगाने के अनेक तरीके होते हैं। जो सबसे अच्छा तरीका है वह है गॉर्डियन नॉट। अगर रोप में गॉर्डियन नॉट लगा दिया तो रोप टूट जाएगी, खुलेगी नहीं। और किसी को कहा जाए कि गॉर्डियन नॉट को खोल दो तो उसके लिए सब बहुत जटिल समस्या हो जाएगी गॉर्डियन नॉट को खोलना। तो इसी को हम इंग्लिश में यूज करते हैं, गॉर्डियन नॉट शब्द को यूज करते हैं जटिल समस्या के रूप में। तो आप समझ गए हैं गॉर्डियन नॉट कहाँ से आया है। जो रोप का नॉट होता है गॉर्डियन नॉट, जितना डिफिकल्ट होता है वह उसी को कहा दिया गया जटिल समस्या। नाउ, पेशेंस इज नीडेड टू रिजॉल्व अ गॉर्डियन नॉट। पेशेंस मतलब धीरता, इज नीडेड, धीरता आवश्यक होती है। टू रिजॉल्व, हल करने के लिए। रिजल्ट मतलब हल करना, हल करने। क्या? गॉर्डियन नॉट मतलब जटिल समस्या। एक जटिल समस्या को हल करने के लिए धीरता की आवश्यकता होती है। हमने गॉर्डियन नॉट का प्रयोग कर दिया है वाक में। नाउ, हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग। हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग, इसमें स्ट्रिंग का मतलब होता है तार, और हार्प का मतलब होता है वीणा बजाना। जो वीणा होती है उसे बजाने को बोलते हैं हार्प। तो जब वीणा बजाते हैं तो आपने देखा होगा वीणा बहुत सारे स्ट्रिंग होते हैं, और स्ट्रिंग को टच कर करके डिफरेंट तरह के साउंड्स निकाले जाते हैं। तो अगर सेम स्ट्रिंग को टच किया जाएगा सेम प्लेस पे तो एक ही तरह की आवाज आएगी। वैसे ही अगर एक ही बात को बोला जाता है बार बार तो उसी को कहते हैं हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग। एक ही बात का रट लगाना, यही से बना है ये, ध्यान रहना चाहिए आपको। नाउ, कलेक्ट वन सेल्फ। कलेक्ट वन सेल्फ, आप देख रहे हैं वन सेल्फ मत का मतलब क्या होगा कि कोई भी प्रोनाउन होगा उसके बाद सेल्फ लग जाएगा। वन सेल्फ है मतलब सबके लिए, जितने प्रोनाउन होगा उसमें सेल्फ लग जाना चाहिए, जो भी प्रोनाउन यूज करिए। नाउ, कलेक्ट वन सेल्फ की हिंदी होगी संभालना, संभालना। राम कलेक्टेड हिमसेल्फ, राम ने खुद को संभाला, राम ने खुद को संभाला, चाहे राम ने संभाला, ये हिमसेल्फ है। तो कलेक्ट हिमसेल्फ से तो संभालना होता है, तो खुद को नहीं आएगा, राम ने संभाला। बिफोर बिगनिंग ऑफ हिज स्पीच, अपने स्पीच के, भाषण के शुरू होने के पहले। होता क्या है, सपोज कि भाषण देना है, स्पीच देना है, और हजारों की भीड़ बैठी हुई है, उस भीड़ में राम को स्पीच देना है, उन सबको कुछ बताना है। तो बहुत बड़ा ओकेजन होता है ऐसा, किसी के लिए भी बहुत लोगों को बताना हो तो उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, हाँ, संभालना पड़ते हैं अपने आप को। तो तैयारी तो कर लिया, लेकिन जब जा रहे हैं तो एक बार होता है ओके देखना है हमें, बोल लेंगे, बोल लेंगे, बिल्कुल। तो ऐसे कुछ करके अपने आप को प्रोत्साहित करते हैं, उसे बोलते हैं कलेक्ट वन सेल्फ। कलेक्ट वन सेल्फ मतलब संभालना। लंबी सांसें भी लेते हैं इसी में, तो इसे बोलते हैं कलेक्ट वन सेल्फ, संभालना। शायद समझ गए होंगे आप। दूसरा, सपोज आप क्लासरूम में हैं, दूसरा से समझ जाएंगे। ये कोई क्लासरूम है, यहाँ पे स्टडीज आपके टीचर टीचिंग करना जारी रखे हुए हैं, और आप लेट से एंट्री मारते हैं क्लास में।
एंट्री मारेंगे, बैठेंगे, क्लास टीचर बता रहे हैं कुछ, तो आपको समझने में कुछ देर लगेगा क्या बता रहे हैं। बैठते ही फिर देखेंगे क्या चल रहा है, कौन सा चैप्टर है, सर यहाँ बता रहे हैं, फिर बुक ओपन करेंगे, फिर आप 1 मिनट 1.5 मिनट कुछ समय लगेगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा सर क्या बता रहे हैं और कहाँ से हमें समझना है। तो इस जो ये अवधि होती है 1-1.5 मिनट की, जब हमें कुछ समझ में आता नहीं है निश्चित रूप से, तो उसे कहते हैं संभालना, कलेक्ट वन सेल्फ। इसे समझ गए होंगे आप। नाउ एट द 11th आवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी होती है अंतिम समय में। देखिए एक कहानी ना बाइबिल की है, बाइबिल जब कहानी थी उस वक्त जो मजदूरों का कार्य करने की पूरी अवधि होती थी 12 घंटे की होती थी, अभी तो 8 घंटे की है, तो 12 घंटे की अवधि होती थी, तो कोई टास्क आया था, एक बाइबिल कहानी है, मैं ठीक से उसको जानता नहीं लेकिन 11th आवर को एक्सप्लेन जरूर कर सकता हूँ। कोई टास्क आया था और उस टास्क को पूरा किया गया 11:59 पे, उस इम्पोर्टेंट टास्क को 11:59 पे पूरा कर दिया गया, हिम्मत नहीं हारी गई। तो कहा गया कि 11th आवर में टास्क पूरा किया गया है, 11th आवर है ना, 12:01 पहले खत्म हो गया है, 11th आवर में ही खत्म हुआ है, तो इसे कहा गया 11th आवर। तो उसके बाद जो भी काम अंतिम समय में पूरा होता है या जो कुछ भी अंतिम समय डिसीजन होता है उससे कहा जाता है, उस अंतिम समय को 11th आवर नाम दिया जाता है। तो यही 11th आवर है बाइबिल की, यही छोटी सी स्टोरी से इसको समझने की हमने कोशिश की। नाउ रमेश डोनेटेड, रमेश ने दान किया हिज प्रॉपर्टी, अपनी संपत्ति, एट द 11th आवर, अंतिम समय में, अंतिम समय में रमेश ने अपनी संपत्ति दान कर दिया। नाउ लास्ट वन इज रन इनटू द सेम ग्रुप। पहले ग्रुप का मतलब आप जान लीजिए, ग्रुप का मतलब होता है दरबा, 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 और दरबा से पहले ग्रुप का उच्चारण आप ध्यान से देख लीजिए, ग्रुव, ग्रुव नहीं, ग्रुव। तो ग्रुव मतलब दरबा, दरबा क्या, दरबा का एक और इंग्लिश शायद इसे आप समझ जाएं, दैट इज COOP, कूप, ये है कूप। तो एक दरबा क्या, आप जानते हैं मुर्गियों को दरबा में रखा जाता है, दरबा बन गई, बन गया, इसे मुर्गियों को रखा जाता है, इसका जो गेट है खोला जाता है तो फिर मुर्गियां बाहर जाती हैं, दानाएं चुंगती हैं, जो कुछ करना होता है करती हैं, फिर बाद में सबके सब सारी मुर्गियां फिर यहीं पे इसी दरबा में वापस आती हैं। तो जितनी इधर दाना चुंग रही हैं सब एक ही जगह पे वापस आती हैं, एक ही लक्ष्य पे वापस आती हैं, इसी को कहते हैं रन इनटू द सेम ग्रुप, एक ही लक्ष्य का होना। इसी बात को इंग्लिश में यूज करते हैं, एक ही लक्ष्य का होना। जैसे आप सब के, आप सब स्टूडेंट और हम सब टीचर, आप सबका लक्ष्य क्या है, जो अधिकतर लोगों का है जॉब, हमारा लक्ष्य क्या है, आपको उस योग बनाना जिससे आप जॉब हासिल कर लें। तो हमारा भी लक्ष्य क्या हुआ, आपका जॉब, तो आपका लक्ष्य भी जॉब, हमारा लक्ष्य भी जॉब, तो हम नहीं कहलाएंगे रन इनटू द सेम ग्रुप, एक ही लक्ष्य का होना, डेफिनेटली हम भी कहलाएंगे। इसी को हमने यूज किया है, आवर एफर्ट्स, हमारे प्रयास, रन इनटू द सेम ग्रुप, एक ही लक्ष्य का है, हमारा, हमारा प्रयास एक ही लक्ष्य का है, हम कहेंगे इसको हमारा प्रयास एक ही लक्ष्य का है, जो टीचर स्टूडेंट की बातें समझाई उससे ही संबंधित सेंटेंस बना दिया। तो हमने देखा अभी गॉर्डियन नॉट मतलब जटिल समस्या, हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग, एक ही बात का रट लगाना, फिर 128th देखा कलेक्ट वन सेल्फ संभालना, 129th एट द 11th आवर अंतिम समय में, एंड 130th रन इनटू द सेम ग्रुप, एक ही लक्ष्य का होना। होप आप सबको पूरा समझ में आया होगा।